नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं 808 YouTube चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कैसे हम मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम ग्रुप्स को क्रिएट करके यूजर्स को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम कैसे न्यू पॉलिसीज को क्रिएट कर सकते हैं और प्लस उन पॉलिसीज में कैसे हम रूल्स ऐड कर सकते हैं, और सेकेंडली हम एक इंडिविजुअल यूजर पे कैसे पॉलिसी सेट कर सकते हैं या फिर हम एक ग्रुप पे पॉलिसी कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो को लाइक करें, लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पे हम एंटर हो गए अपने AWS के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ओपन करते हैं हम IAM मैनेजमेंट कंसोल, क्योंकि पॉलिसीज भी हमें IAM मैनेजमेंट कंसोल ही प्रोवाइड करता है। तो मैं सिंपली यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और आप सर्विसेज में या फिर यहाँ से भी सर्च करके इस पर्टिकुलर सर्विस को ओपन कर सकते हैं। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी ग्रुप्स की और यूजर्स की, तो आज बात करते हैं हम पॉलिसीज की। तो मैं सिंपली पॉलिसीज पे क्लिक करता हूं। और यहां पे हमें AWS की पॉलिसीज शो हो रही हैं। तो ये सारी पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट AWS हमें प्रोवाइड करता है, और हर एक पॉलिसी की अपनी एक इंडिविजुअल सेटिंग्स है या फिर अपने एक इंडिविजुअल रूल्स हैं। तो अगर आपने चेक करना तो आप सिंपली पॉलिसी पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि उस पॉलिसी पे कौन कौन सी परमिशंस सेट हैं। तो चलिए सबसे पहले अब क्रिएट करते हैं एक न्यू पॉलिसी को। तो बाय डिफॉल्ट AWS ने मोर देन 400 पॉलिसीज हमें बाय डिफॉल्ट गिवन की हैं, तो हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के या अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो कस्टम सर्विसेज के साथ, तो वो भी बना सकते हैं। तो सिंपली क्लिक करते हैं क्रिएट पॉलिसी पे, और यहाँ पे हमें चूज करनी है उस पर्टिकुलर सर्विस या फिर हमें परमिशंस। तो मैं सिंपली चूज सर्विस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम EC2, या फिर आप कोई भी अपनी रिक्वायर्ड सर्विस को चूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है परमिशन सेक्शन। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स कि ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग अंडर जितने भी यूजर्स वर्क करेंगे या ग्रुप्स वर्क करेंगे वो किस किस चीज को एक्सेस कर पाए। तो मैं देना चाहता हूँ ऑल कंट्रोल्स, तो मैं यहाँ पे ऑल EC2 एक्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। और अब करते हैं स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे चले जाना है रिसोर्सेज पे, और रिसोर्सेज में हमें सिंपली सिलेक्ट करना है ऑल रिसोर्सेज पे, ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे सिलेक्टेड हो जाएं। और उसके अलावा आप एक सिंगल पॉलिसी में मल्टीपल सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर पॉलिसी में सिंपली अभी EC2 को किया, तो मैं चाहता हूं कि S3 पे भी मैं जितनी भी पॉलिसीज है वो सारी इसमें ऐड करूं। तो सिंपली यहाँ पे एड एडिशनल परमिशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं सिंपली चूज अ सर्विस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे चूज कर लेते हैं अपनी S3 सर्विस को भी। और यहाँ पे मैंने दोनों सर्विस ऐड कर दी हैं। और अगर आप इनके अलावा और एडिशनल सर्विसेज को ऐड करना चाहें तो आप ऐड एडिशनल परमिशंस पे क्लिक करके और ऐड भी कर सकते हैं, और जो हमने प्रीवियसली ऐड किए हैं उनको यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, और यहां चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू पे। और यहां पे हमें स्पेसिफिकली नेम मेंशन करना है अपनी सर्विस के लिए। तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉलिसी की सर्विस शो हो रही है कि कौन कौन सी हमने परमिशंस को अलाउ कर रखा है इस पर्टिकुलर सर्विस में। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं
तो मैंने इन दोनों के ऑल एक्सेस दिए हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी का भी यही नाम रख देता हूं ताकि आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे इजी रहे। और अब चलते हैं नीचे क्रिएट पॉलिसी पे। तो यहां पे हमारी ये पॉलिसी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंडिविजुअल यूजर पे इस पॉलिसी को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक करना है यूजर्स पे, और आपने जितने AWS में यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। तो आपने सिंपली उस पर्टिकुलर यूजर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपने इस पॉलिसी को ऐड करना है, और उस पर्टिकुलर यूजर में एक सेक्शन मिल जाएगा आपको परमिशंस नाम का। तो आपने सिंपली क्लिक करना है ऐड परमिशंस पे, और यहां पे क्लिक करना है अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, और यहां पे सर्च करनी है आपने वो पॉलिसी। तो मैं सिंपली सर्च कर देता हूं यहां पे। तो ये रही हमारी पॉलिसी जो हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं, और यहां कर देते हैं ऐड परमिशंस। तो यहां पे हमारी पर्टिकुलर सर्विस ऐड हो चुकी है या पॉलिसी ऐड हो चुकी है इस ग्रुप में, मतलब के इस यूजर में। तो अब ये यूजर दोनों सर्विसेज को फुली यूज कर सकता है एक रूट यूजर की तरह, मतलब कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है, उनमें न्यू सर्विसेज को ऐड कर सकता है, और ओल्ड जो हमारी सर्विसेज उन पर्टिकुलर डोमेन्स में चल रही है EC2 और S3 में उनको रिमूव भी कर सकता है। उसके बाद अब देखते हैं ग्रुप में। तो मैं सिंपली यहां पे यूजर ग्रुप पे क्लिक करता हूं। और यहां पे हमारे पास एक ग्रुप गिवन है जिसमें दो यूजर्स ऐड हुए मेरे, तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें भी ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी को। तो जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको, तो सेकंड और थर्ड यूजर जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है। तो मैं सिंपली करता हूं परमिशंस पे क्लिक, और यहां पे करते हैं ऐड परमिशंस, अटैच पॉलिसीज, और यहां पे हमें वो पर्टिकुलर पॉलिसी को सिलेक्ट करना है, और यहां पे क्लिक करना है ऐड परमिशंस पे। और यहां हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी ये पॉलिसी ऐड हो चुकी है। तो मतलब कि जितने भी हमारे यूजर्स रहेंगे इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड, वो सारे भी इन सर्विसेज को यूज कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से हम पॉलिसीज को क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उन्हें यूज कर सकते हैं मल्टीपल प्लेसेस पे। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।